So, dear friends, good evening. Welcome you to all. Today I will teach you regarding MS Excel. Okay. So MS Excel के अंदर कुछ basic formulas होते हैं. वो काम कैसे करते हैं. Just एक छोटा सा video बनाया मैंने आपके लिए. बनाने लगा हूँ. Sorry. उसमें क्या basically कि आपको ये बताऊँगा कि आज MS Excel में हम जैसे आपने कोई database बनाना है, तो हम उसमें कैसे बनाते हैं. वो कैसे काम करता है. Okay. अब suppose आपके सामने जब screen खुलती है. So this is the first screen you will see when you open your MS Excel. So this screen is divided into rows and column. हम इस हर एक चीज़ को हम cell कहते हैं. This is a cell. हर एक cell का एक address होता है, right? अब जैसे ये लिखा हुआ ऊपर F7. So this is the F7 address. यानी कि ये this is the column number, this is row number. So F7 is a cell address. So हमने जब भी कोई formula लगाना है इसके ऊपर, हर cell के address के ऊपर लगेगा, तो उसके according वो काम करता है. Now मैं आपको इस सामने एक छोटी सी screen ला के दिखाता हूँ. जैसे सपोज हमने एक डेटाबेस बनाना है, प्रदीप डेटाबेस मैंने हेडिंग बना दिया. ओके. अब सपोज इसमें हम लिखते हैं डेटाबेस. अब मैं कुछ हेडिंग फटाफट बना लेता हूँ. सीरियल नंबर, नेम, यहाँ ले लेते हैं हम मैथ्स, कुछ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस, ये चार सब्जेक्ट ले लिए. और आगे लेते हैं टोटल. नेक्स्ट इज योर ग्रेड. अब इसमें मेन चीज़ होती है, जैसे आपने कोई फॉर्मूला लगाना है, वो कैसे लगाते हैं ये आपको बताऊंगा मैं. अब ये देखो 1, 2. अब इसमें जैसे एक चीज़ होती है, मैं साथ साथ बताते जाता हूँ कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है. जैसे आपने 1 और 2 लिखा, ठीक है, आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें माउस के साथ, ठीक है, और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ. जितना तक आपको चाहिए आप वहाँ तक कर सकते हैं. जैसे मैं 10 तक करना, तो मैं 10 तक ऐसे कर लूँगा. सो दिस इज ऑप्शन अंडर दिस एक्सेल. मैं फटाफट कुछ नाम फीड कर लेता हूँ. राज, राहुल, प्रिया, गिनी, पूजा, योर सानवी, सहज, पल्लवी, प्रदीप और राज. सपोज मैंने ये नाम लिख दिए. अब ये मैं फटाफट इसमें मार्क्स ऐड कर लेता हूँ. रैंडमली हम मार्क्स ले लेते हैं. 23, 45, 56, 78, 89. फटाफट करते हैं. ओके. इंग्लिश के मार्क्स ऐसे कर लेते हैं. कंप्यूटर साइंस के भी ले लेते हैं. साइंस के भी ले लेते हैं. सो दिस इज अवर डेटाबेस. ओके. अब आप देखिए, अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं. अब यहाँ पे मैंने सपोज कर एक परसेंटेज भी निकालनी है. यहाँ पे मैं ग्रेड की जगह एक लिखता हूँ परसेंटेज. पहले आपको मैं तीन चीज़ें सिखाऊंगा आज, और ग्रेड की फॉर्मूला कैसे लगाते हैं इसके अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो टोटल हमने निकालना है. सो टोटल निकालने के हमारे पास कई वेज होते हैं. सो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे, जैसे मैं कहता हूँ कि आपने मैनुअल करना है, 23 + 67, 78, 78, जिसको टोटल किया, आपके सामने टोटल लिख दिया, तो वो तो मैनुअल काम हो गया. तो देन वाई वी यूज दिस अवर एक्सेल शीट. तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जिसको टोटल करना है उसको एरिया को सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है. सिलेक्ट करने के बाद टोटल को भी सिलेक्ट कर लो, जिस बॉक्स में आपको आंसर चाहिए. आंसर करने के यहाँ पे एक ऑप्शन होती है सम, टोटल सम का, क्लिक कर दिया तो ये सामने आपका आंसर आ गया, ठीक है. ऐसे दूसरी को सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, मैंने ये प्रेस किया और आपके सामने आंसर आ गया. तो आप कहेंगे कि अब यहाँ वैसे मेरे पास अगर 100 रोज हैं, 100 स्टूडेंट डेटाबेस यू हैव द 100 रिकॉर्ड्स, तो आप कैसे करेंगे. तो उसके लिए आपको ये इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब कि आप इसको हर एक रो को सिलेक्ट करके और इसको करेंगे, तो वो मुश्किल होएगा. तो इसमें भी हमारे पास वे होता है. अब जैसे ये आपने टोटल निकाला, ओके, अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे अपना कर्सर और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको प्लस का साइन चेंज करने के बाद इसको डायरेक्ट नीचे ले आएंगे, तो ये टोटल सारे अपने आप टोटल निकाल देगा. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टोटल ऑफ ईच एंड एवरी रो. ओके. अब परसेंटेज निकालना हमने, तो परसेंटेज का यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं हम. परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, हमने हर चीज़ को इक्वल के साथ लगाना होता है. यहाँ पे इक्वल साइन. ओके. अब यहाँ पे जिसकी परसेंटेज निकालनी है आपने, इसका देखना है, ये है ना G4 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 400, मैंने 100 में से मार्क्स लिए हैं, तो डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कर देंगे 100. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ये आपका आंसर आ गया इसकी परसेंटेज.
सो राज की परसेंटेज जो आई है दैट इज 61.5। अब ऐसे ही आपने बाकियों को भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नो नीड, यहाँ पे जस्ट आपको ड्रैग करना है और आपकी एक बार फॉर्मूला लगाया बाकी सारे फॉर्मूले अपने अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ योर एक्सेल। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज आती है ग्रेड। सो दिस इज द मेन फैक्टर। अब ग्रेड आपने कैसे निकालना है, ग्रेड बेसिकली क्या होता है, जस्ट रफ में टाइप करके दिखाता हूँ। अब मैं कहता हूँ जैसे इफ, सिंपल मैंने लिखा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 तो ग्रेड क्या आएगा, ए। ठीक है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो ग्रेड क्या आएगा, बी, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सो ऐसा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा इस कॉल इस सेल के अंदर ताकि उस हिसाब से इस परसेंटेज को निकाल दे। ओके, अब ये देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल साइन, ठीक है, देन इफ लगाया, इफ ऑपरेटर लगाया, इफ के साथ ब्रैकेट स्टार्ट कर दी जिसके ऊपर आपने लगाना है। अब इसको पकड़ो, एच फोर आ गया, ग्रेटर देन हमने लगाया 80, ठीक है, कॉमा लगाया, ये इसका सिंटेक्स है करने का, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। डबल कोट्स में मैंने लगा दिया ए, डबल कोट बंद कर दिए। ओके, देन कॉमा लगाया, अगेन मैंने इफ लूप लगाना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट कैसे करते जाओ बस, और फिर आपने एच फोर यहाँ पे इसको क्लिक किया, एच फोर अपने आप आ जाएगा ग्रेटर देन 70, राइट। अब इसको मैंने क्या किया, कॉमा लगाया, डबल कोट लगाया, बी लगाया, कोट्स बंद कर दिए, अगेन मैंने कॉमा लगाया, ओके, अगेन कॉमा लगा के इफ लगाया, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एच फोर, आप टाइप भी कर सकते हैं वहाँ से, क्लिक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, एच फोर ग्रेटर देन 60 कर लेते हैं। ओके, 60 कॉमा लगाया, डबल कोट में सी लगा दिया ग्रेट, राइट, इसको फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने इफ लूप लगाया, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एच फोर इज ग्रेटर देन 50, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगा, इज ग्रेटर देन 50, कॉमा लगाया, डबल कोट लगाया, देन ग्रेड आ गया डी। ओके, कोट बंद कर दिया, कॉमा लगाया, फिर इफ लगाया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, एच फोर इज ग्रेटर देन 40, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते, फिल कर देते हैं इसको, कॉमा डाल के यहाँ पे डबल कोट लिखा और यहाँ लिखा एफ ए आई एल, जो भी आपने यहाँ ग्रेड देना है उसको डबल कोट में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, आपने कितनी ब्रैकेट खोली हैं, देखिए वन दिस, एक ब्रैकेट ये है, एक ये, दो तीन चार और पाँच ब्रैकेट्स हैं, तो मुझे फाइव ब्रैकेट यहाँ क्लोज करनी पड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, एंटर कर दो, तो यहाँ पे आपका ग्रेड का आ गया सी, देखो आपके सामने, उसने उसके हिसाब से सी ग्रेड निकाल दिया। अब आप कहेंगे बाकी भी फॉर्मूले लगाने हैं, नो, आपने जस्ट क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, ड्रैग, सो ये आपके सामने सारे ग्रेड्स आ गए लाइक दिस, देखो एक ही बच्चा फेल है बाकी सारे सी आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं इतने फॉर्मूले यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एमएक्स एक्सेल का मुझे फायदा क्या होगा, नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हो गए तो मेरे पास क्या फ़ायदा हुआ इसका। सो देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज की ये है कि ये अपडेट ऑटोमेटिकली होता है, जैसे सपोज करो आपने ये ग्रेड का जो कॉलम है सेल है इस किस पे लगाया, परसेंटेज पे, तो मैंने सपोज करो इसकी ये फेल है ना, अब इसकी परसेंटेज मैंने कर दी सपोज 90 एंटर किया, देखो वो क्या हो गया, ए, पहले क्या था सी, ए हो गया ना, ये 61.5 है, इसको मैंने 90 कर दिया, वो देखो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली ये ए हो जाएगा। सो ये ग्रेड जो है जिस सेल पे आपने फॉर्मूला लगाया है उस पर उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट उस सेल पे पड़ जाता है। सो दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ यू कैन से ऑफ एक्सेल। सो दिस इज हाउ अवर एक्सेल वर्क। ओके, अब जैसे आपने ये चीज़ बनाई है आप इसकी वो भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग टूल लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया सारे को, ठीक है, आपने टेक्स्ट सारा सेंटर में करना है तो आप आराम से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोल्ड कर सकते हैं और इसके अंदर आपने अगर कोई वो लगाना है लाइक कोई बॉर्डर लगाना है तो वो भी कर सकते हैं, ए ऑल बॉर्डर्स लाइक दिस। सो ये देखिए आपका एक पूरा फुल फ्लेज एक डेटाबेस बन गया है, ठीक है, आपने अगर इसको जैसे बोल्ड किया, हेडिंग बोल्ड करते हैं बाकी डेटा को नहीं करते, हम इसको हटा कर सेलेक्ट करके हम इसको अनबोल्ड कर देते हैं ताकि आपको ये थोड़ा एट्रैक्टिव लगे। सो ये हमारा एक डेटाबेस बना है, इसको हम सेंटर में ले जाते हैं ऐसे ड्रैग करके, सो ये आपका इस तरह से
शो हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट ए डेटाबेस इन एक्सेल। सो मुझे लगता है कि आपको, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये ऑटोमेटिकली हम कैसे इसमें फॉर्मूलेज लगाते हैं और कैसे इसमें हम टोटल लगाते हैं। मैंने तभी ये जानबूझ के ये तीन कॉलम बनाए थे, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड, इसमें सारा क्लियर हो जाए। इफ़ लूप आप इसमें कैसे लगाते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया, परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। टोटल निकालने का एक सम यहाँ से भी है, ठीक है, टोटल निकालने का एड्रेस आप यहाँ से भी ऐसे भी लगा सकते हैं, इक्वल टू सम, जिसका आपने टोटल निकालना है उस सेल का एड्रेस, जहाँ तक निकालना है उस सेल का एड्रेस, आप इसको टाइप भी कर लीजिए या फिर आप ये प्लस कर दीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आपके सामने आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी मेक अवर डेटाबेस इन MS Excel। सो गाइज, इस वीडियो को देखें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।